हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो मनीष एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्लैनेट्स कि जो ग्रह हैं हम उनको अपने अनुकूल कैसे बनाएं। जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे 9 ग्रह होते हैं और हमारी कुंडली के 12 भाव होते हैं या 12 हाउसेस होते हैं और हर एक घर किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इनको ठीक करने का या इनको अपने अनुकूल बनाने का सारा उपाय बड़ा सरल है और जो हमारे घर में है, हमारे आसपास है। तो चलिए जानते हैं कि हम इनको अपने अनुकूल कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य के रूप में जो हमारे पिता हैं वो साक्षात सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हमने उनका आशीर्वाद ले लिया, उनका मान सम्मान दे दिया, उनसे सलाह ली, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया, तो आप यकीन मानिए हमारे सूर्य कैसे भी हो हमारे कुंडली में अच्छा फल जरूर देना शुरू करेंगे। उसके साथ साथ हमारे घर की जो ईस्ट डायरेक्शन है वो भी अच्छी हो जाएगी। मींस अगर कोई वास्तु दोष है तो वो वास्तु दोष भी सूर्य की वजह से, अच्छे सूर्य की वजह से ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अब ईस्ट डायरेक्शन किसकी है? सोशल रिलेशन की है। तो यदि हमने सूर्य को ठीक किया तो हमारी ईस्ट डायरेक्शन ठीक हुई, ईस्ट डायरेक्शन ठीक हुई तो हमारी सोशल रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी, सोशल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो सूर्य को ठीक करना है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। मून, माँ को रिप्रेजेंट मून करता है। माँ से प्यार के दो बोल बोलिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनका दुलार भरा आशीर्वाद लीजिए। आपका चंद्रमा कैसा भी हो कुंडली में ठीक होगा। और चंद्रमा ठीक हुआ तो हमारे घर की जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है वो ठीक होगी, उसका जो वास्तु दोष है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन किसकी होती है? सारे टाइप के सपोर्ट की दिशा होती है एंड यू विल गेट ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट इन योर लाइफ। भले गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, परिवार का सपोर्ट हो, रिश्तेदारों का सपोर्ट हो, मित्रों का सपोर्ट हो, हर तरीके की सपोर्ट की दिशा है, सारी मिलनी शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मंगल के बारे में। हमारे घर के जितने भी छोटे भाई बहन हैं सारे मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। अपने छोटे भाई बहन को प्यार करिए, उनको खुश रखिए, उनको मान सम्मान दीजिए। मान सम्मान तो ठीक है बट वो प्यार से ज़्यादा खुश होंगे। उनको दुलार दीजिए, उनको खुश रखिए। मंगल की दिशा जो होती है हमारे वास्तु शास्त्र में वो साउथ की दिशा होती है, दक्षिण की दिशा, जो कि आराम की दिशा है, यश की दिशा है और एक काम इजी तरीके से कराती है। यदि आपने साउथ डायरेक्शन को ठीक कर लिया, मंगल को ठीक कर लिया, तो हमारे जो काम हैं वो सारे बड़े इजी गोइंग हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं बुध की। आपके घर का जो सबसे छोटा मेंबर है वो बुध को रिप्रेजेंट करता है। यदि आप उसके साथ खेलते हैं तो आप रिलैक्स तो होंगे ही, साथ के साथ आप अपने कुंडली के बुध को भी अपने फेवर में कर लेंगे, आप उसको अपने अनुकूल बना लेंगे। इसकी दिशा नॉर्थ होती है, उत्तर दिशा होती है जो कि कुबेर की दिशा है, धन की दिशा है, समृद्धि की दिशा है और यह दिशा आपके जीवन में नए अवसर लाती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज लाती है। तो यदि आपके जीवन में कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है तो आप इस दिशा को ठीक करें। और ये दिशा कैसे ठीक होगी? आप बुध को ठीक करके कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गुरु के बारे में, जुपिटर के बारे में। हमारे गुरु, हमारे बड़े भाई बहन, ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये गुरु और हमारे बड़े भाई बहन हमारे जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं। तो इनका आशीर्वाद लीजिए, इनको रिस्पेक्ट दीजिए, इनसे सलाह लीजिए, ये आपको हमेशा सही रास्ते पर ही लेके जाएंगे। आपने अगर इनको रिस्पेक्ट दी, इनको प्यार दिया, इनको सम्मान दिया तो आपका जुपिटर ठीक होगा
जुपिटर ठीक होगा तो आपके घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भी ठीक हो जाएगी, उसका जो वास्तु दोष है वो ठीक होगा। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन किसकी दिशा होती है? ये डिसीजन पावर की दिशा होती है, ये क्लैरिटी ऑफ माइंड को इम्प्रूव करती है। कन्फ्यूजन को, जो हमारे जीवन में कन्फ्यूजन होते हैं, हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो इसमें हमें ये हेल्प करती है, तो ये डिसीजन पावर को बढ़ाएगी। तो आप अपने गुरु को जुपिटर को ठीक करिए। और जुपिटर को ठीक मैंने आपको बताया कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वीनस की, शुक्र की। शुक्र के रूप में आपके घर में आपकी पत्नी या पति है। पत्नी मीन्स साक्षात लक्ष्मी, जो बिना थके आपके मकान को आपको घर बना के देती है, आपसे कभी शिकायत नहीं करती है और 2400 घंटे काम करती है। तो हमें क्या करना चाहिए? इनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, इनका मान सम्मान करना चाहिए, इनको प्रॉपर आदर देना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो आपके घर में लक्ष्मी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये दिशा होती है साउथ ईस्ट की। साउथ ईस्ट जो अग्नि को बढ़ाती है, तेज को बढ़ाती है, कैश फ्लो को भी बढ़ाती है, और जो काम करने की जो झील होती है उसको इम्प्रूव करती है, उसको बढ़ाती है। तो अगर आपने वीनस को ठीक किया तो आपको कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो आपके घर की है वो ठीक होगी, तो आपका जो कैश फ्लो है वो भी बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं शनि के बारे में। आपके सेवाधारी, नौकर चाकर, सर्वेंट, सबॉर्डिनेट, जो आपके अंडर में काम करते हैं, वो सारे शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको कभी उनका हक नहीं मानना चाहिए, उनको जितना से ज़्यादा आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, आपको हमेशा उनको करना चाहिए। यदि आपने ऐसा किया तो यकीन मानिए आपकी कुंडली के जो शनि देव हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे, वो अच्छे हो जाएंगे, आपके फेवर में रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि शनि जो होते हैं वो कर्म फल को देने वाले होते हैं। तो आपने इनको खुश किया तो आपका जो शनि है वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। और इसकी दिशा जो होती है हमारे वास्तु शास्त्र में वो पश्चिम दिशा होती है, वेस्ट डायरेक्शन, जो कि प्राप्तियों की, लाभ की, प्रॉफिट की, गेन की दिशा होती है। तो आपको प्रॉफिट और गेन होना भी शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं राहु केतु की। जो दादा दादी हैं या नाना नानी हैं वो हमारे राहु केतु को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनका आशीर्वाद लें। अगर आपने ऐसा किया, उनका आशीर्वाद लिया, उनको रिस्पेक्ट दी, तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। स्टेबिलिटी किसी भी चीज़ में हो सकती है, हमारे कैरियर में हो सकती है, हमारे बिजनेस में हो सकती है, हमारे जॉब में हो सकती है, हमारे रिलेशन में स्टेबिलिटी की अगर प्रॉब्लम है तो वो भी स्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर राहु केतु को ठीक करना है तो रिश्तों का सम्मान हमें करना ही होगा, आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक उन रिलेशन को, उन संबंधों को जो हमारे परिवार के साथ हैं, हमारे रिश्तों रिश्तेदारों के साथ हैं या हमारे आसपास के लोगों के साथ हैं, हमें उन रिश्तों को निभाना आना चाहिए, हमें उनके साथ जस्टिस करना चाहिए। प्लैनेट्स हमारे चारों ओर होते हैं। प्लैनेट्स पंच तत्वों को या फाइव एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, और अगर हमने इन फाइव एलिमेंट्स को कंट्रोल कर लिया जो कि प्लैनेट्स को गवर्न करेंगे, तो ये जो फाइव एलिमेंट्स हैं या जो पंच तत्व हैं ये हमारे दिशाओं को अफेक्ट करते हैं। तो प्लैनेट्स को कंट्रोल किया मींस हमने अपने पंच तत्वों को ठीक किया, पंच तत्वों को ठीक किया मींस हमने अपनी दिशाओं को ठीक किया। तो रिश्तों को समझिए, उनका रिस्पेक्ट करिए और प्लैनेट्स को अपने अनुकूल बना के उनसे अच्छा रिजल्ट लीजिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना, इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।